नमस्कार, मैं उप्रिया। आज है 19 अक्टूबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ग्रामीण सड़कों की मरम्मत की निगरानी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन हुआ लॉन्च। पद में घर आ रहे हैं तो साथ रखना होगा ये रिपोर्ट। एक महीने में 15 लाख बढ़े नौकरी ढूंढने वाले, बिहार समेत कई राज्यों में हुआ सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन। बिहार में बारिश के बाद पछुआ हवा से बदलेगा मौसम का मिजाज। किसानों के बैंक खाते में सीधी भेजी जाएगी राशि। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ग्रामीण सड़कों की मरम्मत की निगरानी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन हुआ लॉन्च। बिहार के ग्रामीण सड़कों की मरम्मत करने के काम पर नजर बनाए रखना अब आसान होने वाला है, क्योंकि विभाग ने इसको लेकर मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया है। विभागीय नीति के तहत जिन सड़कों की मरम्मत हो रही है उसकी ऑनलाइन निगरानी अब इसकी अनुरक्षण ऐप से की जाएगी। इतना ही नहीं, अब इस एप्लीकेशन के माध्यम से ठेकेदारों को भुगतान भी अपलोड किए गए तस्वीरों के आधार पर किया जाएगा। अब तक की व्यवस्था में सड़क मरम्मत की रिपोर्ट कागजी प्रक्रिया में होती थी। संवेदक की तरफ से सड़क मरम्मत के बाद कनीय अभियंता उसकी रिपोर्ट सहायक अभियंता को दिया करते थे। इसके बाद सहायक और कार्यपालक अभियंता की मंजूरी मिलने पर एजेंसीज को पैसे का भुगतान किया जाता था। ज्ञात हो अक्सर यह शिकायत मिल रही थी कि इंजीनियरों की मिलीभगत से एजेंसी बिना उपयुक्त मरम्मत किए ही राशि का भुगतान करा लेते थे, जिसके बाद ही यह कदम उठाया गया है। ऑनलाइन आवेदन से ही मिल जाएगा राशन कार्ड। अब बिहार में राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब ऑनलाइन माध्यम से ही बिहार में राशन कार्ड मिलने लगेगा। जिससे कि अब आपको राशन कार्ड बनाने के लिए लोगों को प्रखंड कार्यालय और जिला मुख्यालय स्थित कार्यालय में दौड़ लगाने की जरूरत नहीं होगी। केंद्र की पहल पर बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय ने इसके लिए वेबसाइट में सुधार कर दिया है। इसको लेकर डेमो लिंक उपलब्ध कराया गया है। इतना ही नहीं, विभागीय स्तर पर इसके ट्रायल का काम भी शुरू हो गया है। बिहार में अब सिपाही बनेंगे मुंशी। पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी किए गए नए आदेश के अनुसार बिहार में अब सिपाहियों को मुंशी बनाया जाएगा, क्योंकि बिहार के कई थानों में नियमों के खिलाफ जाकर चौकीदार को मुंशी की जवाबदेही दे दी गई थी। इसकी समीक्षा करने के बाद पुलिस मुख्यालय ने आपत्ति जताई और पुलिस अफसरों को ये दिशा निर्देश दिया है कि थाने में चौकीदार को मुंशी की जवाबदेही न दी जाए। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने साफ कहा है कि थाने में मुंशी की जिम्मेदारी काफी अहम है, इसमें जरा भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसलिए थाने में चौकीदार को मुंशी की जवाबदेही न दी जाए, बल्कि सिपाही को मुंशी का काम दिया जाए। ज्ञात हो मुंशी बनने के लिए सिपाही को कम से कम 10 साल का अनुभव जरूर होना चाहिए। श्रीनगर से बिहार पहुंचे अरविंद को भाई ने दी मुखाग्नि। श्रीनगर से उग्रवादियों के निशाने पर आए बिहार के अरविंद का पार्थिव शरीर बीते दिन उनके गृह जिले बांका पहुंचा, जिसके लिए जिलाधिकारी ने पटना एयरपोर्ट से अरविंद के शव को उनके पैतृक गांव बाराहाट के परघड़ी लखपुरा लाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की थी। अरविंद का शव जैसे ही उनके घर पहुंचा तो वहां लोगों की भीड़ लग गई थी। मां के चित्कार से पूरा परिसर माता में डूब गया था, जिसके बाद सुबह 10 बजे अंतिम संस्कार के लिए लोग मंदार के पपरनी घाट पर गए। वहां अरविंद के भाई मुकेश साव ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस मौके पर जिलाधिकारी समेत कई लोग वहां पर मौजूद थे। नवलखा पैलेस बिहार में देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। खंडहर में पड़ा हुआ नवलखा पैलेस बिहार में मधुबनी के पास राजनगर में स्थित है। ये महल महाराजा रामेश्वर सिंह द्वारा बनाया गया था और कहा जाता है कि 1934 में काफी खतरनाक भूकंप आया था, जिसके बाद इसकी संरचना में काफी कमी आ गई है। विनाश के बाद इस पैलेस में अब तक कोई सुधार नहीं किया गया है, इस प्रकार ये महल अब खंडहर में तब्दील हो गया है। यह एक शाही महल है और भले ही ये इतना क्षतिग्रस्त हो गया हो, लेकिन फिर भी इसकी संरचना को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। महल परिसर में तालाब और मंदिर शामिल है। बीसीए के चयन ट्रायल मैच में बारिश ने डाली खलल। बिहार क्रिकेट संघ की तरफ से राजधानी पटना के राजेंद्र नगर स्थित मोइनुल हक स्टेडियम में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दूसरे सिलेक्शन ट्रायल मैच का आयोजन बीते दिन करवाया जाना था। हालांकि बारिश के कारण मैच का आयोजन देरी से हुआ। बीसीए मीडिया कमेटी के संयोजक कृष्णा पटेल की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह प्रथम ट्रायल मैच बिहार राइडर्स और बिहार इंडियन के बीच खेला गया, जिसमें बिहार राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 148 रनों का स्कोर खड़ा किया और बिहार इंडियंस के सामने जीत के लिए 149 रनों का लक्ष्य रखा। संयोजक कृष्णा पटेल ने कहा है कि पूरा मैदान गीला हो जाने के कारण आज का दूसरा मैच रद्द हो गया, जिसके बाद अब यह मैच बाद में होगा। जम्मू कश्मीर में बिहारियों के निशाने पर आने की घटना को लेकर सीएम ने की एलजी से बात। जम्मू कश्मीर में बिहारियों की दशा बेहद ही चिंताजनक बताई जा रही है। इसको लेकर सीएम नीतीश ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन जनता दरबार के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान जम्मू कश्मीर में हो रही घटना को दुखद बताते हुए कहा कि जम्मू में जान गंवाने वाले बिहारियों को लेकर सरकार चिंतित है। बिहार सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की है, उन्होंने मजदूरों की सुरक्षा का भरोसा दिया है। हाल ही में तीसरी घटना घटी है, सरकार ने तुरंत सारी
जानकारी लेकर बातचीत की है। सामने आई घटना के अनुसार ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से फोन पर बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा है कि देखिए बिहार के लिए यह चिंता की बात है, इस पर जरा ध्यान दें। बिहार में बारिश के बाद पछुआ हवा से बदलेगा मौसम का मिजाज। बिहार में बीते दो दिनों से हवा का रुख बदला नजर आ रहा है, जिसके तहत बीते दिनों से पछुआ हवा बह रही है, जिससे मौसम विज्ञानी ठंड की आहट मान रहे हैं। यही कारण है कि मौसम वैज्ञानिक को जल्द ही बिहार में ठंड आने की संभावना भी जता रहे हैं, जिसके तहत मौसम के जानकारों का कहना है कि मॉनसून के देर से विदा होने के कारण सूबे के तापमान पर ऐसा असर देखा जा रहा है। सूबे में अभी पूर्वा हवा का असर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक अभी कुछ जगहों पर बारिश जारी रहने के आसार जताए हैं। वहीं दो दिनों बाद प्रदेश में पछुआ हवा की दस्तक दिखाई दे सकती है, जिसके बाद सूबे का पारा गिरने लगेगा। विमानों के टिकट की कीमत बढ़ने से और ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट लंबी होने से यात्री परेशान। दशहरा का पर्व खत्म हो गया है, जिसके बाद अब बिहार से वापस कामकाज पर लौटने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन विमानों के टिकट की कीमत बढ़ने से और ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट लंबी होने से यात्री परेशान नजर आ रहे हैं, जिससे बस यात्रियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। पटना के BSRTC की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार पटना दिल्ली बस में यात्रियों की भीड़ भी बढ़ गई है। ट्रेन में आरक्षित टिकट नहीं मिल पाने और विमानों के ऊंचे किराए को देखते हुए लोगों को अब बस से दिल्ली वापस लौटने की योजना बनानी पड़ रही है। ज्ञात हो अभी पटना से BSRTC की दो बसें हर दिन दिल्ली जाती और आती है। पर्व में घर आ रहे हैं तो साथ रखना होगा ये रिपोर्ट। अगर आप भी पर्व में घर आने की सोच रहे हैं या फिर आपके घर से कोई त्योहार के समय वापस बिहार आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हमारी ये खबर कुछ खास है, क्योंकि अब बिहार आने वालों को अपने साथ RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट रखना अनिवार्य होगा। इसको लेकर बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान CM नीतीश ने अपना बयान जारी किया है और कहा है कि त्योहारों के मौके पर बड़ी संख्या में लोग बिहार आते हैं, कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए उनकी जांच जरूर कराने का निर्देश अधिकारियों को दे दिया गया है। इसके साथ ही जिन लोगों ने टीका नहीं लगाया है उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी और बचे हुए लोगों को तेजी के साथ टीकाकरण कराने का भी निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट साथ में रखने की बात भी उन्होंने कही है। सरकारी कार्यों में लगी लाल ईंटों पर रोक से भट्टा मालिकों की बढ़ी परेशानी। बिहार सरकार ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सरकारी कामों में लाल ईंटों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसको लेकर फ्लाई एश को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे पर्यावरण कितना सुरक्षित हो रहा है इसका पता तो फिलहाल नहीं चला है, लेकिन सरकार के इस फैसले से यकीनन ईंट भट्टा मालिकों की परेशानी जरूर बढ़ गई है। यही कारण है कि प्रदेश स्तर के ईंट भट्टा मालिकों के प्रतिनिधिमंडल बिहार के डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद से मिलकर इस दिशा में उचित निर्णय लेने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार तमाम टैक्स लेने के बावजूद अचानक लाल ईंट पर सरकारी कार्य में रोक लगा चुकी है, जिससे ईंट भट्टे में बने हुए ईंटों का अंबार सा लग गया है। वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बिहार को चाहिए इतने वैक्सीन। बिहार के लिए अभी भी 5.91 करोड़ टीके की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 10 महीने के अंतराल में अब तक 4,72,75,164 लोगों को टीके की पहली डोज देने का काम किया गया है। वहीं 1,42,66,457 व्यक्तियों को दूसरी डोज देने का काम किया जा चुका है। हालांकि सबके बीच राज्य सरकार जल्द से जल्द टीकाकरण के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करना चाह रही है और इसके लिए राज्य में कोरोना टीका से वंचितों की तलाश के लिए ANM, आशा और जीविका दीदियों को लगाने का निर्णय भी लिया गया है। इसको लेकर राज्य में दिवाली और छठ के मौके पर दूसरे प्रदेशों से लौटने वाले लोग सहित टीका से वंचितों को टीका देने का लक्ष्य स्वास्थ्य विभाग ने तय कर लिया है। वाराणसी हावड़ा कोलकाता बुलेट ट्रेन बिहार के कई शहरों से भी होकर गुजरेगी। बिहारवासियों को मेट्रो की सवारी देने की योजना के बीच अब बुलेट ट्रेन की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि अभी मेट्रो तो दूर है, लेकिन वाराणसी हावड़ा कोलकाता बुलेट ट्रेन का सर्वे तेज कर दिया गया है, जिससे बिहार के कई शहरों से भी होकर हाई स्पीड ट्रेन गुजरने वाली है। बिहार सर्वे करने वाली कंपनी झारखंड के गिरिडीह जिले में अपना काम कर रही है। योजना के अनुसार इस रेल लाइन को गिरिडीह के बगोदर से ले जाने की योजना है, जो कि 760 किलोमीटर लंबी होगी, जो बिहार में पटना, झारखंड में धनबाद और बंगाल में बर्दवान से होते हुए गुजरेगी। जानकारों की माने तो दोनों रूटों का काम पूरा होने के बाद दिल्ली से हावड़ा का सफर चंद घंटे में पूरा हो सकेगा। बिहार सरकार ने की मॉनसून 2021 की रिपोर्ट जारी। इस साल मॉनसून के दौरान आई बाढ़ में कितनी बर्बादी हुई है उसकी रिपोर्ट बिहार सरकार ने जारी कर दी है। साथ ही बाढ़ के दौरान की गई कार्रवाई को लेकर भी सरकार ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, जिसके तहत इस साल मॉनसून अवधि के दौरान राज्य में 4 चरणों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। बाढ़ से कुल 31 जिलों के कुल 294 प्रखंडों में लगभग 79.31 लाख आबादी के प्रभावित होने की बात कही गई है। इसके साथ ही रिपोर्ट में बताया गया है कि बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्य के लिए 19 NDRF और 17 SDRF
टीमों को लगाया गया। वहीं बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए कुल 867.83 करोड़ रुपए की राशि भुगतान की गई है। इसके साथ ही बाढ़ से विभिन्न जिलों के अंतर्गत लगभग 6.64 लाख हेक्टेयर में लगी फसल क्षतिग्रस्त हुई है। 15 लाख बढ़े नौकरी ढूंढने वाले, बिहार समेत कई राज्यों से हुआ सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल में पिछले करीब एक महीने के डेटा को श्रम विभाग की तरफ से साझा किया गया है, जिसमें करीब 15 लाख से ज्यादा नए नौकरी तलाश कर रहे लोगों के रजिस्ट्रेशन की बात सामने आई है, जिसमें बिहार के लोग नौकरी मांगने के मामले में दूसरे स्थान पर है। श्रम विभाग की तरफ से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल में 24,45,250 लोग, बिहार में 12,30,020 लोग, महाराष्ट्र में 11,06,998 लोग, उत्तर प्रदेश में 4,97,130 रजिस्ट्रेशन, झारखंड में 4,57,628 रजिस्ट्रेशन, दिल्ली में 1,18,858 रजिस्ट्रेशन, हरियाणा में 87,952 रजिस्ट्रेशन और उत्तराखंड से 65,631 रजिस्ट्रेशन किए गए हैं, लेकिन इन लोगों के केवल 1,46,293 नौकरियां हैं। बिहार से 38 कला संस्कृति पदाधिकारियों की होगी बहाली। बिहार के कलाकारों के लिए खेल और सांस्कृतिक आयोजन से जुड़ा काम और सारी जानकारी अब जिले में ही निपटाई जा सकेगी। इसको लेकर कला संस्कृति एवं युवा विभाग हर जिले में विभाग से जुड़े काम के लिए विशेष अफसर की नियुक्ति करने जा रही है। इसके तहत बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए 38 कला संस्कृति पदाधिकारियों की बहाली की जाएगी, जिससे कि अब राज्य के कलाकार को हर छोटी बात के लिए मुख्यालय की दौड़ नहीं लगानी होगी। हालांकि अभी तक कलाकारों को राशि भुगतान से लेकर छोटी मोटी चीजों के लिए सचिवालय की दौड़ लगानी पड़ती थी। इसमें समय और संसाधन दोनों काफी ज्यादा खर्च होते थे। कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी पर 26 अक्टूबर को होगी अहम बैठक। भारत बायोटेक के कोविड-19 रोधी टीके कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग पर जल्द ही कोई फैसला आने की उम्मीद है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का तकनीकी सलाहकार समूह 26 अक्टूबर को इस मुद्दे को लेकर बैठक करने जा रहा है। इसको लेकर वैश्विक स्वास्थ्य निकाय के प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने ट्वीट कर जानकारी दी है। इसके साथ ही उन्होंने इसको लेकर यह भी बताया है कि यह वैक्सीन की आपातकालीन मंजूरी के लिए भारत बायोटेक के साथ मिलकर WHO काम कर रहा है। हमारा लक्ष्य आपातकालीन उपयोग के लिए स्वीकृत टीकों की एक व्यापक सूची और हर जगह तक पहुंच का विस्तार करना है। राजद ने कश्मीर से बिहारियों को बुलाकर 10,000 रुपए हर महीने देने की कही बात। इन दिनों बिहारियों के साथ कश्मीर में हो रहे व्यवहार को लेकर चर्चा गर्म है। इस बीच राजद ने बिहार सरकार को एक अनोखा सुझाव दिया है, जिसके तहत राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बिहार के लोगों की जान ली जा रही है, ये बहुत दुखद है। केंद्र सरकार चुपचाप बैठी है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कुछ नहीं कर रहे। इन लोगों का रवैया यही रहा तो इससे यही लगेगा कि बिहारी लोगों की चिंता इन लोगों को नहीं है। क्या केंद्र सरकार चाहती है कि इसी तरह वहां पर बिहारियों के साथ ऐसा व्यवहार होता रहे? ऐसे में मेरा सरकार से यही सुझाव है कि जो भी बिहारी वहां पर अभी भी फंसे हुए हैं और खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उन्हें तुरंत बिहार लाया जाए और हर महीने 10,000 रुपए दिए जाए। लालू यादव ने पेट्रोल के बढ़ते दाम पर सरकार का किया घेराव। बिहार समेत पूरे देश में इन दिनों पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम ने आम आदमी की परेशानी बढ़ा दी है और विपक्ष को बोलने का मुद्दा दे दिया है। यही कारण है कि बढ़ते दाम को लेकर बिहार की राजनीति में भी चर्चाएं हो रही है। इसी कड़ी में इस मुद्दे को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, जिसके तहत इस मुद्दे पर बीते दिन अपना ट्वीट जारी करते हुए उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम अपनी कार को हवाई जहाज समझे। 5,02,00,000 नौकरी, दोगुनी आय और अच्छे दिनों के इस आभासी दौर में अपनी कार को हवाई जहाज समझ भक्ति रस में डूब महंगाई की सहते रहो। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जो महंगाई को लेकर लालू यादव ने केंद्र सरकार का घेराव किया है, बल्कि इससे पहले भी उन्होंने पूछा था कि ए महंगाई, तुम डबल इंजन सरकार की क्या लगती हो। अब महागठबंधन पर बड़ा फैसला करेंगी सोनिया गांधी। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार महागठबंधन की दो बड़ी पार्टी राजद और कांग्रेस इन दिनों दो अलग अलग दिशा में नजर आ रही है। यही कारण है कि एक ही दल में शामिल पार्टी ने दोनों ही सीटों पर अपने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। हालांकि इन सबके बीच अब महागठबंधन को लेकर सोनिया गांधी जल्द ही कोई निर्णय ले सकती है। इसको लेकर हाल ही में बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने अपना बयान जारी किया है और कहा कि राजद से कांग्रेस का रिश्ता फिलहाल समाप्त हो चुका है, अंतिम फैसला अध्यक्ष का होगा। चिराग ने सीएम नीतीश पर परिवार तोड़ने के लगाए आरोप। जब से चिराग ने सीएम नीतीश के साथ बगावत का रास्ता अपनाया है, तब से ही चिराग सीएम नीतीश के खिलाफ खूब बयानबाजी करते नजर आए हैं। इसी कड़ी में बीते दिन कुशेश्वर स्थान में चुनाव प्रचार करने आए चिराग ने एक बार फिर से सीएम नीतीश को आड़े हाथों लिया, साथ ही उन पर कई आरोप भी लगाए, जिसके तहत उन्होंने कहा कि सीएम ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे परिवार को तोड़ने की साजिश रची है, क्योंकि मेरी वजह से ही विधानसभा चुनाव में जदयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों से बिहार के लोग नफरत करते हैं। यही कारण है कि दोनों सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी की ही जीत होगी और बिहार की राजनीति की नई दिशा और दशा को तय किया जाएगा। किसानों
के बैंक खाते में सीधी भेजी जाएगी राशि। बिहार के किसानों के लिए अहम सूचना। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत रबी सीजन में तिलहनी फसलों की खेती के लिए किसानों द्वारा प्रत्यक्षण कराया जाएगा। इसमें किसानों को बीज और दवा आदि का 100% सब्सिडी कृषि विभाग देगी। खेती के दौरान किसान को खुद ही सरसों राई का बीज और दवा आदि खरीदना होगा। सबसे खास बात यह है कि इसके लिए लागत की पूरी राशि योजना के अनुसार किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। ज्ञात हो योजना के तहत राई सरसों की खेती प्रत्यक्षण के लिए कुल 6600 किसानों को योजना का लाभ दिया जाना है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। मदर टेरेसा ने कलकत्ता में मिशनरी ऑफ चैरिटीज की स्थापना 1950 में आज के दिन की थी। भारत में निर्मित पहला MiG-21 विमान 1970 को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक डॉक्टर एस चंद्रशेखर को एक अन्य अमेरिकी वैज्ञानिक प्रोफेसर विलियम फाउलर के साथ 1983 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार आज के दिन सौंपा गया था। भारत सरकार ने 1834 से 1996 तक सभी केंद्रीय अधिनियमों का इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस तैयार करने की घोषणा 2000 में की थी। हिंदी फिल्म अभिनेता सनी देओल के नाम से प्रसिद्ध अजय सिंह का जन्म 1961 में आज के दिन हुआ था। खगोल भौतिक शास्त्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का जन्म 1910 में आज के दिन हुआ था। मशहूर किताब गुलिवर की यात्राएं के लेखक जोनाथन स्विफ्ट का निधन 1745 में आज के दिन हुआ था। पटेल ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए चुनी भारत की बेस्ट प्लेइंग 11। भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने टीम इंडिया की बेस्ट प्लेइंग 11 चुनी है। पार्थिव ने इस टीम की सलामी जोड़ी के तौर पर हेटमैन रोहित शर्मा और केएल राहुल को चुना है। राहुल ने हाल ही में खत्म हुए IPL 2021 में अपने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान विराट कोहली को चुना है, जबकि चौथे, पांचवें और छठे नंबर पर सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को चुना है। पार्थिव ने स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर रविंद्र जडेजा को अपनी टीम में शामिल किया। वहीं भारत के पूर्व विकेटकीपर हालांकि शार्दुल ठाकुर और भुवनेश्वर कुमार में से किसी एक को चुनने में वो दुविधा में दिखे। फेसबुक ने बढ़ाया क्लाउड गेमिंग का क्रेज। भारत में फेसबुक के पहले गेमिंग शोकेस जिसे प्रेस स्टार्ट कहा जाता है, कंपनी गति की लहर की सवारी कर रही है। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बात करते हुए फेसबुक इंडिया के निदेशक और पार्टनरशिप के प्रमुख मनीष चोपड़ा का कहना है कि भारत अब वैश्विक गेम प्ले सेशन वॉल्यूम में तीसरे स्थान पर है। वो देश में फेसबुक गेमिंग बनाने वाले 3 वर्टिकल के बारे में बात करता है, यानी प्ले जोन, ऑनलाइन गेम प्ले के बारे में है, वॉच लाइव गेम्स, स्ट्रीमिंग वीडियो के लिए अमेजोन के ट्विच जैसे प्रतिद्वंदी प्लेटफॉर्म को चुनौती देता है, और कनेक्ट जो फॉलोअर्स के साथ बढ़ते हैं, क्रिएटर्स कम्युनिटी को लाने का प्रयास करता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अनिल यादव, सरोज पंडित, रणधीर कुमार, संतोष इंडिया, आलोक कुमार, अमित कुमार, विकास कुमार, विनय यादव, मनीष मोहरा, सज्जाद आलम, नीलेश कुमार, रंजीत कुमार, रत्नेश कुमार, राजीव रंजन, सहाना खातून, राजेश सोंथियाल। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बाढ़ से बिहार को निजात दिलवाने के लिए बिहार सरकार ने अब तक सराहनीय काम किया है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।